क्या चल रहा है वीर? तुम गाजर तो फेंक के देखो, मैं भी ऐसे ही कैच करके खाऊंगा। ठीक है, जा उधर पेड़ पे बैठो, मैं गाजर फेंकता हूँ। चुलबुल दीवार पे तो चढ़ नहीं सकता, पेड़ पे क्या चढ़ेगा? चलता अंकल, चलो आज के दिन मुझे उम्मीद है कि कुछ गड़बड़ ना हो। लगता है आज का दिन अच्छा गुजरेगा। ओहो, ये क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मैं एप्पल खा रहा हूँ। चलो 2-3 सेब मुझे भी दो, मुझे सेब बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ से एप्पल फेंक के नहीं दे सकता, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सेब नहीं फेंके तो मैं ऊपर आ जाऊँगा, और अगर मैं ऊपर आया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ये लो। मैं जाके मम्मी को बताती हूँ खिड़कियाँ बंद कर ले, नहीं तो बंदर घर में आ जाएंगे। अरे ये बंदर कहाँ से आ गए? बंदरों ने तो सबको तंग कर रखा है, इनसे पीछा छुड़ा नहीं होगा। इनसे तो जिंटू ही पीछा छुड़ा सकता है। दोस्तों को नमस्ते, दुश्मनों को प्रणाम, जो बोलो मैं कर दूंगा, जिंटू मेरा नाम। इन बंदरों ने तो आतंक मचा रखा है, शहर को बंदरों से बचाओ। ओके बॉस। क्या किया? पूरा शहर आसमान में ले आए। अब बंदर यहाँ कभी नहीं पहुँच सकेंगे। मैंने शहर को बंदरों से बचा लिया है, अब तो खुश होना बॉस। अरे खुश कैसे हो सकता हूँ, तुम तो मेरा हर राज खुलवा के रहोगे। सबको नीचे ले चलो फौरन, जल्दी जल्दी। बॉल पास करो चुलबुल, जल्दी। ये लो संभालो, अब देखो विटामिन ए का कमाल, और ये है इलेक्ट्रिक पावर का कमाल। ओए काके, उड़ के किधर से आया और मारे ही कंधे से टकराया? तेरा हेलीकॉप्टर ना बना दिया तुम्हारा नाम भी पद्दू पहलवान हरियाणा वाले ना, समझा? तेरा ही कंधा मिला था कैसे को। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अंकल, आपको उस पहलवान के ऊपर ऐसे नहीं कूदना चाहिए था। ये बता कि मुझे फुटबॉल किसने मारा था? मैंने आज उसकी टांग ही तोड़ देनी है। बता किसने मारा था मुझे फुटबॉल? कितना हो गया ये? बड़े दुख की बात है, हमारे स्कूल में कोई चोर मौजूद है जो रोज स्टूडेंट्स के बैग से उनके बुक्स, पेन, उनके टिफिन और टीचर्स के पर्स से उनके पैसे, उनके मोबाइल्स और भी कीमती चीजें चुरा रहा है। और इस बात से सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। हमने चोर को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन चोर इतना चालाक है कि अभी तक हम उसे पकड़ नहीं पाए। अगर पुलिस में खबर की तो हमारे स्कूल का नाम खराब होगा, क्या करें? सर, मैं चोर को पकड़ूंगा, और वो भी सिर्फ 2 दिनों में। लेकिन तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि जिस चोर को पकड़ने में सारे टीचर्स नाकामयाब हो गए, तुम उसे सिर्फ 2 दिन में पकड़ लोगे? क्योंकि सर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ वहाँ तक वो चोर नहीं सोच सकता। थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर, अगर वीर इतना कॉन्फिडेंस दिखा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी पकड़ूंगा चोर को। सर, मुझे भी बहुत नॉलेज है चोर पकड़ने का। मैंने बहुत सारी जासूसी कॉमिक्स पढ़ी हैं, जैसे कि जेम्स बॉन्ड, बाकेलाल, जासूस विजय वगैरह वगैरह। ओके, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। मैं तुम दोनों को 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर तुमने 2 दिनों में चोर को पकड़ लिया तो ठीक, वरना फिर हम स्कूल स्टाफ की तरफ से कोई ठोस कदम उठाएंगे। वीर, तुमने ये काम अपने सर पर लेकर गड़बड़ कर दिया है। जिस चोर को हमारे स्कूल के चंट, चपल और चालाक टीचर्स भी नहीं पकड़ पाए, तुम उसे कैसे पकड़ोगे? अपने हाथों से। और कैसे? थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी फोन आया है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से कुछ लोग हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन करने आज शाम तक आ रहे हैं। अब क्या होगा? स्कूल की हालत तो खस्ता है, दीवारों में तो पेंट तक नहीं है, एकदम पुरानी लगती है। शाम तक ये कैसे होगा? मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। ये लोग अचानक आ रहे हैं, लगता है आज मेरी नौकरी गई। सर, हम स्टूडेंट्स मिलकर शाम तक स्कूल पेंट कर देंगे। नहीं वीर, मैं स्टूडेंट्स से ऐसा काम नहीं करा सकता। सर, ये स्कूल की इज्जत का सवाल है। कई स्टूडेंट्स हैं जो खुशी खुशी पेंट करेंगे। सर, इसकी बातों में मत आइए। शाम तक ये काम तो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। मेरे दादाजी कहते हैं इम्पॉसिबल को जो पॉसिबल करे उसे ही वीर कहते हैं। तुम मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? जब मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता, इसका मतलब है नहीं हो सकता। सर, आप मुझ पे भरोसा तो करिए, मेरे स्कूल की इज्जत का सवाल है, मैं करके ही रहूँगा। तो क्या मुझे स्कूल की इज्जत की परवाह नहीं है? मिस्टर कक्कड़, मुझे वीर पर पूरा भरोसा है। वो हमारे स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है। वो पहले भी ऐसे कई काम कर चुका है जो एक आम स्टूडेंट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आई थिंक उसे एक चांस मिलना ही चाहिए। कक्कड़ सर, आप लोग लंच तक सब स्टूडेंट्स को पीछे ग्राउंड में स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस कराएं ताकि वीर को क्लासरूम पेंटिंग के लिए खाली मिल सके। सर, वीर की बात मत मानिए, ये सब गड़बड़ कर देगा। कक्कड़ सर, जो कहा है वो करिए। ओम महापुरुष, पेंटिंग करने का वादा तो कर दिया, लेकिन करोगे कैसे? अब बुलाओ जिंटू को, वही ये काम कर सकता है। तुम ठीक कहते हो चुलबुल। मैं हूँ जिन। क्या काम है बॉस? अभी तो बॉस का तक दिन हो गया है। स्कूल को पेंट जो करना है। ये लो। जिंटू, ये क्या कर दिया? हटाओ पेंट जल्दी, ऐसा जादू नहीं कर सकते। वीर, सिर्फ क्लासरूम ही पेंट हो जाए तो बहुत होगा। अगड़म बगड़म, इगड़म तिगड़म, आलम फालम, दम दमादम। अब देखो मेरे हाथ खाली हैं। चॉकलेट शर्ट की स्लीव्स में छुपाई थी। जादू तो हाथ की सफाई होती है। सचमुच का जादू तो हमारा जिंटू ही कर सकता है। तुमने जादू की छड़ी का इस्तेमाल तो किया ही नहीं। पहले इसे हवा में उठाओ इस तरह। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ। जादू की छड़ी को सामने दिखा के जो बोलोगे वो हो जाएगा। जैसे किसी को बोल दो चूहा बन जा, वो चूहा बन जाएगा। मुझे किसी को चूहा नहीं बनाना। जिंटू, क्या कर दिया तुमने? क्या हो गया? मैं क्या बन गया? जिंटू, चड्ढा सांप को जल्दी ठीक करो अभी। बचाओ, वो बिल्ली मुझे खा जाएगी। चड्ढा साहब, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? बिल्ली कैसे आपको खा सकती है? पता नहीं क्यों मुझे एक पल के लिए लगा कि जैसे मैं चूहा बन गया हूँ। क्या हुआ दादाजी? इनका बेटा प्रकाश बदमाश लड़कों की संगत में आके पढ़ना लिखना छोड़ चुका है। क्लास में फर्स्ट आता था, पायलट बनना चाहता था, लेकिन अब एग्जाम आने वाले हैं और वो पढ़ता ही नहीं। आप चिंता ना करिए आंटी, वो उन लड़कों का साथ छोड़ देगा। वीर बेटा, प्रकाश को समझाना एकदम इम्पॉसिबल काम है। दादाजी कहते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला ही वीर होता है। आप चिंता ना करें, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू दादाजी। वीर, तुम कुछ करने की सोच रहे हो या मैं ही जाके उसे समझाऊं? दादाजी, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे दिमाग में एक प्लान है। ओके वीर। किसी को चूहा बनाना है? अरे, किसी को चूहा नहीं बनाना है। तुम मुझे एक सफेद बालों वाला साधु बना दो।